वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमीकान ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? मतलब आप लोग सोच रहे होंगे मैं अभी कहाँ हूँ, इस वक्त हूँ छावनी और हम लोगों का प्लान बन चुका है बूंदी जाने का। गाड़ी उठा के और हम लोग जा रहे हैं अमजद भाई के पास, पूल पार्टी का प्लान है। इधर गाड़ी का थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया और अभी कार उठाकर अमजद भाई को पिकअप करने जा रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे सीधा बूंदी। और काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, मतलब लास्ट टाइम लगा लो जब नेशनल फार्म हाउस पे पुल पार्टी की थी उसके बाद से आज जा रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी चलते हैं फटाफट, मैं अपनी बाइक इमरान भाई के घर पे पार्क करता हूँ, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। हाँ जी, तो फाइनली कार उठा के हम लोग निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं श्रीपुरा। अमजद भाई को पिकअप करते हैं वहाँ से, उसके बाद निकलेंगे सीधा बूंदी। और आज बूंदी हाईवे की खूबसूरती दिखाएंगे, तो आज भी सारा दिन मस्ती होने वाली है। दिन के कुछ 3 बज चुके हैं, हमें निकलना तो 2 बजे था लेकिन लेट हो गए। हाँ, पेशेंट में बिजी थे भाई। तो अच्छा, मास्क बांधना ज़रूरी है, वो लगा लेता हूँ मैं सबसे पहले। हाँ बिल्कुल मास्क लगाना ज़रूरी है भैया, क्योंकि मास्क के बिना गुजारा नहीं है आज के टाइम पे, कोविड टाइम चल रहा है। तो भाई आज की पूल पार्टी जो है तो धमाकेदार होने वाली है। लास्ट टाइम जब हम नेशनल फार्म हाउस पे गए थे उसके बाद से कहीं भी नहीं गए, आज फाइनली आज प्लान बनाए। तो आज का संडे भी मतलब फंडे होने वाला टोटली। बाकी देखते हैं अभी बूंदी चल के क्या सीन मिलता है। यार गाड़ी में इतनी कितनी धूल छा रही है खतरनाक तरीके से, बहुत दिन से खड़ी है। मास्क लाना मैं भूल गया, ये भी एक मास्क है, ये भी एक तरीके का मास्क है, तो मैंने रुमाल लगा लिया है। अब आप थोड़े से जो है कोटा की सड़कों के खूबसूरत नजारे एंजॉय करो। फ्यूलिंग के लिए रुके हैं बीच में घुमानपुरा पेट्रोल पंप पे। हाँ, जीरो दिखाइए, जीरो देख लेते भैया, कैमरे में भी ले लेते हैं जीरो। अरे तो कांटा मारते हैं अभी, मारते हैं ये तो। हाँ, क्योंकि हमें क्या मालूम कि वहाँ से कितना निकल रहा है, कितना नहीं निकल रहा। तो गर्मी काफ़ी है आज, बड़ी धूप है यार तेज। अच्छा, अपन जिस दिन पूल पार्टी जाते हैं उस दिन धूप रहती है हमेशा। हाँ यार, अपनी किस्मत खराब है। अरे किस्मत खराब है क्या करें, चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब तक पहुँचेंगे ठंडा मौसम हो जाएगा। कहीं कहीं मतलब हर जगह खुदा पड़ा हुआ है, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, एरोड्रम पे अंडरपास बन रहा है, तो ये है कि अब शहर की सूरत चमक जाएगी। ऐसे निकलना पड़ रहा है, अभी हर जगह खुदा पड़ा है, हर जगह काम चल रहा है। हम लोग श्रीपुरा पहुंच चुके हैं। फोन लगाया क्या? हेलो, अरे यहाँ खड़े मस्जिद के, यहाँ पे आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट, टाइम कम है यार, पहले लेट हो चुके हैं यार। आ जाओ, तो अमजद भाई से बात हो गई, आ रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है, इसलिए सबको जल्दी बुला रहे हैं फटाफट। कुन्ना भाई को भी फोन लगाया जाए, एक बार उनसे पूछो कहाँ पर खड़े हुए हैं। उनसे एक काम करो, ये कह दो कि कुन्हाड़ी पेट्रोल पंप पे मिल जाए। कुन्ना भाई को फोन लगाया जाए, कंप्यूटर जी, ये भी हमारे एक लेटर लतीफ इंसान है। हाँ मुन्ना भाई, कहाँ हो? मैं श्रीपुरा आएगा, अमजद भाई को लेना है। अरे हम लोग 7 वाला रोड पकड़ रहे हैं, नयापुरा होते हुए फिर सीधे निकलेंगे। हाँ, तालाब के किनारे होते हुए। ठीक है। तो ये लोग उधर से रवाना हो रहे हैं एक गाड़ी में। कौन कौन है? समीर भाई, उन्ना भाई, जानते हो ना आप इमरान? अरे इमरान भाई को कैसे नहीं जानेंगे भाई, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा, क्या पता यार, अभी कोविड-19 का केयर बहुत चल रहा है। जरूरी है यार भाई, हाँ सेफ्टी इज नंबर 1 पर जरूरी है। बस प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, कोरोना का कोविड सिचुएशन है। तो फाइनली भाई साहब ने आधा घंटा वेट कराया, उसके बाद निकल रहे हैं अब। हाँ, दिस इज माय मास्क, तो पहुंच जाएंगे अब जाके कट करेंगे इसको। तो फाइनली यहाँ से रवाना हो चुके हैं भाई, अब लगेगा तकरीबन लगने वाले हैं 45 मिनट बूंदी पहुँचने में। हर जगह काम फैला हुआ है, पूरा कोटे को खोद कर रख दिया, विकास चल रहा है राजस्थान में। बाकी यार आज नज़ारे देखो, ओहो लक्की बुर्ज पे मतलब आज चहल पहल नजर आ रही है। थोड़ी सी सेफ्टी रखो और मस्त घूमो, जिंदगी जैसी चल रही है वैसे चलती रहेगी, रुकती तो है नहीं कोई चीज, इसीलिए आज हम भी हमारी जिंदगी को चलाने जा रहे हैं। थोड़ी देर में हाईवे लगने वाले हैं, बाकी उससे पहले की जो खूबसूरती है वो देख लो, इस रोड की ब्यूटी यार हमेशा मतलब मजा आता।
ड्राइवर साहब ने एक झटका दिखा दिया मेरे को, तो इसलिए मेरे को ये डायलॉग बोलना पड़ा। हाँ तो फाइनली पहुंच गया है, टच कर चुके। अब तो खैर 20 या 25 मिनट का रास्ता रह गया। ये धूप ने काम खराब कर दिया, मतलब मैं जिस साइड बैठा हूँ यही तो प्लानिंग थी, यही तो प्लानिंग थी। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ जुगाड़ करूँ, लेकिन इससे भी बात नहीं बन रही है। तो अमजद भाई कुछ ऐसी चीज़ दो आप कि मैं कांच पे लगा के बंद कर दूँ, कोई टी शर्ट वी शर्ट, ताकि धूप आना कम हो जाए। मेरी टी शर्ट चलो कुछ तो काम आएगी, रख लेते हैं उसको। मैं कर रहा हूँ जुगाड़। लो कहाँ चलो मेरा माइ वाला, मेरी तरफ वाला। तो मैंने मेरी खुद की टी शर्ट ही फंसा डाली इधर, तो कांच कवर हो गया। अभी थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। मुन्ना भाई मुर्गे कटवा रहे मुन्ना भाई मतलब फ्राई खिलाएंगे जाते वो भाई का। 28,000 सब्सक्राइबर हो गया यार। 28,000 सब्सक्राइबर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। ऑल ब्लेसिंग विद यू, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब वेरी सून इंशाल्लाह, वेरी सून। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने 28,000 सब्सक्राइबर किए। माय यूट्यूब फैमिली थैंक यू सो वेरी मच। फाइनली बूंदी पहुंच चुके हैं, यानी बूंदी शहर में एंटर हो चुके हैं। और अभी जिस लोकेशन पे जाना है उसको मैप कर रहे हैं गूगल मैप, देखते हैं किधर से शॉर्टकट मिलता है। और लोकेशन देखी हुई नहीं है बिल्कुल भी, मतलब सिर्फ सुना था और हम लोग आ गए, तो देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या है वहाँ, कुछ है कि नहीं है। हाँ स्विमिंग पूल है ये तो कन्फर्म है। ये है पूल और ये सीन आसपास का, खुले में नहाएंगे, खुले में, ओपन में। तो भैया ये है पूल, अभी जाते हैं गाड़ी में, शॉर्ट्स वॉर्ट्स चेंज करते हैं, क्योंकि अभी तो तुम्हारा भाई एकदम जींस वींस डाले हुए, उसके बाद डाइव मारेंगे। ऑलराइट वी जस्ट फिनिश्ड द फोटो शूट, यू कैन चेक माय पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम आईडी विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो या फॉलो मी, दिस इज आवर बैकग्राउंड, लोकेशन इज ओके ओके, बट या वी गोना एंजॉय दिस डे। और अभी हम लोग जा रहे हैं कार में शॉर्ट्स वगैरह चेंज करने, तो टी शर्ट वी शर्ट्स चेंज करके आएंगे, उसके बाद पूल में कूदेंगे, तो देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस। बाकी आप लोग एंजॉय करोगे कुछ स्लो मोशन शॉर्ट्स वगैरह। तो फिलहाल गाड़ी में से कपड़े निकाल लिए जाए, ये मेरा शॉर्ट और ये मेरी टी शर्ट, चलो लगा दो इसको। लोकेशन इज वेरी ऑसम, वेरी ऑसम लोकेशन। जब हम यहाँ पर आए थे हमारा कोई सीन नहीं था यहाँ पर नहाने का, और धीरे धीरे मूड बन गया है। जब सब लोग ने कहा कि यार इतना दूर आए हैं तो नहा ही लेते हैं, तो फाइनली अब हम लोग डाइव मारने जा रहे हैं। और एक बार डाइव मारने के बाद तो फिर जो बैक टू बैक डाइव स्टार्ट होंगी। मुन्ना भाई स्टैंडिंग आउट देयर, सांभा सांभा वाली लोकेशन मिलो। अभी देख रहे हैं कितना कितना पानी है, गहराई नापने की मशीन आ चुकी है। जब कूदो ना, डाइव लो ना, हमें अंदाजा हो जाएगा ताकि कितना पानी है। ऐसा नहीं डाइव करके जाना पड़ेगा, डाइव करके सलमान भाई जाने वाले हैं, डाइव करके जाना पड़ेगा। आता 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 है, हाँ ठीक है मान गया आता है। फाइनली चिकन पार्टी वार्टी करने के बाद और नहा भी लिए ठीक ठाक, उसके बाद अब निकलने का मूड है घर के लिए। कोटा के लिए रवाना होने वाले हैं थोड़ी देर में, बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। हालांकि आज तो बहुत कम नहाए हम लोग, अगर लास्ट वाली पार्टी का देखा जाए तो उस टाइम तो लगभग 5 घंटे नहाए थे, अभी सिर्फ आधा 1 घंटा नहाए, लगभग 6 बज चुके हैं अभी शाम के। तो अब निकलने का मूड है, आधे लोग जा चुके हैं और इमरान भाई मैं और अमजद भाई बचे हैं अभी हम। ओके जी, तो फाइनली 7:30 बज चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम यहीं हैं बूंदी में, और अब हम लोग रवानगी लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, थक गए थे ना, तो चाय वाय पी के अब निकलेंगे हम लोग। इधर ड्राइविंग सीट पे हैं अमजद भाई, डिनर करने का सीन है फिलहाल तक तो है, अभी कोटा पहुंच के देखते हैं कहाँ का मूड बनता है, फिर डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर डिनर करना है या कुछ ऐसे ही स्नैक्स वगैरह लेने हैं, तो लेट्स सी। और डिनर का प्लान कैंसिल हुआ, हमने सिर्फ चिकन एग रोल खाया
और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ आमिर खान व्लॉग्स।